Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अब तक इस्तेमाल की गई तीनों पिचों की जमकर आलोचना की है। भारत चार मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और अहमदाबाद में एक टेस्ट मैच खेलना अभी बाकी है। जहां नागपुर और नई दिल्ली की पिचों को आईसीसी ने एवरेज रेटिंग दी थी, वहीं मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंदौर की पिच को खराब करार दिया था। इस खराब रेटिंग से इंदौर को 3 डीमेरिट अंक भी मिले हैं और ये अंक 5 साल की अवधि के लिए बने रहेंगे। मार्क टेलर ने सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड से इंदौर की पिच रेटिंग को सही करार देते हुए कहा, मैं इससे सहमत हूं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि सीरीज के लिए पिचें पूरी तरह से खराब नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो इंदौर की पिच तीनों में से सबसे खराब थी। मुझे नहीं लगता है कि पिच पर पहले दिन से ही स्पिनरों को इतनी मदद मिलनी चाहिए। मार्क टेलर ने आगे कहा, मैच के चौथे या पांचवें दिन अगर ऐसा होता है तो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन अगर पहले दिन से ही गेंद इतना अधिक टर्न ले तो ये खराब तैयारी का नतीजा है। मुझे लगा कि इंदौर की पिच बहुत खराब है और उसी हिसाब से रैंकिंग दी जानी चाहिए थी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।